वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं यूँ हेट टू लव का नेक्स्ट पार्ट लेके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब टाइम स्किप होता है 2 डेज बाद का, जहाँ पे हम सीन देखते हैं कि जो जिमिन होता है वो हॉलवे से गुजर होते हैं। वहाँ उस टाइम में कोई नहीं होता, तो वहाँ से गुजर होता है अपनी बुक्स उठाने के लिए, लाइब्रेरी के लिए अपनी बुक्स उठाने के लिए जा रहा होता है लोगों रूम में। तो उस टाइम पर ना उसको ना अपने ऊपर टच फील होता है अपनी वेस्ट के ऊपर, तो फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसका ना एक एनिमी जो उसके ऊपर जिमिन के ऊपर जिसकी गंदी नज़र है वही मतलब ना वो होता है। तो फिर ना उसको देखकर ना जिमिन को गुस्सा आ जाता है और कुछ करने वाला होता है। तो फिर ना वो ना जिमिन को ना कुछ सुंघा देते हैं उसको ना फौरन देखते हैं ना वो उसको मेरा दिमाग खराब है। उसको ना एक चीज़ सुंघाता है जिससे ना वो अजीब से ना डिजीज सा फील करने लगता है। एक हैंड कर्चिप होता है उससे ना उसको ना अजीब सा फील होने लग जाता है। तो फिर ना वो वहाँ पे ना उसको थोड़ा डिजीज सा बेहोश नहीं हो रहा होता, लेकिन ना उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई ड्रग हो, मतलब उस पर नशा हो रहा होता है। तो फिर वो उस तरह ना थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। तो फिर जो सामने उसका जो एनिमी होता है वो कोई ऑनी जैक्सन होता है, तो वो देख के ना स्मैक करता है। और फिर ना जिमिन को फैन से लोकल रूम में ले जाता है। और इस टाइम सब अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि ये जो जिमिन था वो अपनी बुक्स रखने आया था और फिर घर जाना था उसने। जैक्सन होता है, जैक्सन ना जिमिन को फैन से लोकल रूम में ले जाता है और लोकल के ऊपर ना पुश करता है। तो फिर ना जिमिन अपना जैक्सन से ना खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको पीछे कर रहा होता है, जैक्सन को धक्का दे रहा होता है, लेकिन जैक्सन पीछे नहीं हो रहा होता, जिससे ना जिमिन की भी थोड़ी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। क्योंकि वो एक मतलब उसको ड्रग्स दिए हुए थे ना, मतलब ड्रग्स मंगाए थे जिससे ना वो अपनी सेल्फ थोड़ी थोड़ी खो रहा था, लेकिन उसको इतना आइडिया था कि उसके साथ कौन है। तो फिर ना वो उसको हटाने की कोशिश करता है और कहता है हर जब मुझसे दूर हो जाओ, मैं मैरिड हूँ ये बोलते। तो फिर ना जैक्सन शॉक हो जाते हैं, व्हाट तुम मैरिड हो, वेल फिर तो और भी मज़ा आएगा। वेल नहीं, मज़ा कहाँ से आएगा, तुम वर्जिन तो नहीं होगे। तो फिर ना वो इस तरह बोलते क्या फिर हो, वो इस तरह बोलते हैं। तो फिर कहते हैं ओ तुम्हारा हस्बैंड कौन है, हाँ वेल मज़ा आएगा फिर तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे साथ मैं अभी यहाँ सब कुछ कर लूँगा और उसकी वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद फिर आराम से तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा कि मैं तुम्हारे ये तुम्हारी वाइफ को दिखाऊँगा या फिर कह सकते हैं हस्बैंड या वाइफ को जब दिखाऊँगा तो फिर कितना मज़ा आएगा। इस तरह बोलते तो फिर ना जीवन फुल अपनी सेंसेस कोई लॉस्ट नहीं की थी, तो उसको समझ आ रहा था कि नहीं क्या बोल रहा था। फिर ना उसको गुस्सा आता और वो ना पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको ना लोकर के ऊपर पिन कर देते हैं। जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बचा पाते, उसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे। तो ओ तुम रो रहे हो, इसका मतलब तुम एक बॉटम हो, क्योंकि जो टॉप होते हैं वो कभी भी इस तरह नहीं करते। वेल ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं भी यहाँ पे टॉप हूँ, तुम बॉटम हो। ये बोल के ना जिमिन के नेक पे किस करने लग जाते हैं। जिमिन ना उसको हटाने की कोशिश कर रहा होता है, चीख रहा होता है, लेकिन ना उस टाइम पे कोई भी नहीं आता। तो फिर ना जिमिन को रोने लग जाते हैं। तो फिर ना जिमिन उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसके आँखों से आँसू गिर रहा होता है। तो फिर ना जैसा ये देख के ना स्माइल करता है, रो मेरे लिए रो, लेकिन ना उसके मेरे से जैसे ही किस करने वाला होता है तो पीछे से एक पंच आता है। फिर वहाँ पे योंगी आ जाता है और ना वो जब देखते हैं ना कि ना जिमिन के साथ ऐसा हो रहा था, तो फिर जैसे वो जैक्सन पीछे होते तो जिमिन जो होता है फ्लोर पे गिरते तो रोने लग जाता। और ना उस टाइम पे जब रोना स्टार्ट ही करते तो फिर वहीं पर अनकॉन्शियस भी हो जाते। तो उसको देखे योंगी उसके पास जाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन उठता नहीं। तो फिर ना योंगी को इतना गुस्सा आता है और जैक्सन की तरफ देखते, तो फिर ना जैक्सन उसको देख के शॉक हो जाते, क्योंकि उसको पता होता है ये चारों आपस में एनिमीज हैं, मतलब कि बुलीज जो थे आपस। तो फिर उसको उनकी तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। वही बोलते कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड के साथ ये करने की। तो फिर वो शौक हो जाते, कहते हस्बैंड व्हाट तुम्हारा हस्बैंड, कहते हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे हस्बैंड के साथ ये करने की, कहते क्या मतलब हमारा हस्बैंड। तो फिर ना पीछे से ना जंग को खा जाते, कहते तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने क्या किया जिमिन के साथ। तो फिर ना कहते तुम दोनों इसके हस्बैंड हो। तो फिर ना पीछे से देंग भी आते थे, कहते सिर्फ ये दोनों नहीं, मैं भी उसी का हस्बैंड हूँ। तो फिर कहते ओ तो ये पार्ट जिमिन एक स्लट है, उसके तीन तीन हस्बैंड्स, वो इस तरह बोलता है। तो फिर देंग को इतना गुस्सा आता है ना, वो फौरन ही ना उसका नेक को ग्रैब कर लेते और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को स्लट बोलने की। कहते तो एक पर्सन जिसके तीन
हस्बैंड्स होंगे तो फिर वो स्लटी होंगे, तो हस्बैंड्स है हम कोई, उसके बॉयफ्रेंड्स नहीं है जो वो एक स्लट होगा और उसने हमारे साथ फुल वाउल्स लिए हैं और वो हमारा पर्स और हमारा वो हस्बैंड है, कोई हमने उसे भगाया या फिर कोई अफेयर या फिर कुछ इस तरह का कोई नहीं है जो उसको शेम फील करनी चाहिए और उसको और हमें प्राउड है ये कहते हैं कि हम तीनों उसके हस्बैंड से, तुम्हारी हिम्मत कैसी हम मेरे हमारे हस्बैंड के बारे में ये बोलने की। और ये कह के ना जोर से ना पंच करता है जिससे जैक्सन नीचे गिरता है और फिर ना जंगों को उसके पास आता, कहते हैं अब तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा था, मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम ही हो जो जिमिन को स्टार्टिंग से हरास करते हो। स्टार्टिंग में तो हम एक दूसरे के एनिमीज थे, मतलब पुलिस थे, तो हमारा आपस में एक कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन जब से हम हस्बैंड बने तो तुम बीच पे तो ठीक हो गए थे, मतलब ज़्यादा तुम नहीं करते थे, लेकिन हाँ तुमने अपनी हद पार कर दी है तो फिर अब तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता हमसे। ये कह के ना जंगू उसके ना फेस पे ना मल्टीपल टाइम्स ना पंच करने लगता, कर रहा होता उसके मुँह से ब्लीडिंग हो रही होती और फिर ना जो योगी होता है वो जंगू को हटाता है और फिर ना वो उसकी ना जो स्टमक होता है वहाँ मल्टीपल टाइम्स वो किक करता है और फिर ना वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था जैक्सन, तो फिर ना देन कहता है तुम ये डिजर्व करते हो और फिर वो जिमिन की तरफ देखता है जिससे जिमिन की आंखों से ना अभी भी आंसू गिर रहे थे लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है, तो फिर ना वो देखते हैं कि ना जंगी के भी देखता है और तेंग तेंग की तरफ देखता है और फिर ना तेंग जेमिन की तरफ देख रहा होता है, तो फिर यूंगी कहता है हमें इसे घर लेके चलना चाहिए, डॉक्टर के पास कहते हैं ना मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमें इसको घर लेके चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता हॉस्पिटल लेके जाना सही होगा, हम ना अपने पर मैं अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल करता हूँ वो इसका आके चेकअप कर लेंगे, जब वो बोलते हैं तो फिर ना दोनों सर हाँ मैं लाते हैं, फिर ना जेमिन को ना थोड़ा उसके पास जाता है उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन जिमिन होश में नहीं आता, तो जो जेके होता है वो जिमिन को उठा लेता है अपनी उसमें हाथ आर्म्स में कैरी कर लेता है ब्राइडल स्टाइल में उसको कैरी करके, फिर उसको ना कार में लेके आता है और फिर ना जो तेंग है वो पीछे बैठता है और फिर ना तेंग के ना लैप में उसको लिटा देता है जिमिन को, और शुगा भी उसके साथ ही बैठते हैं और जो जेके होता है वो कार ड्राइव करने लगता है और फिर घर पहुँचते तो फिर जो शुगा होता है वो ना जिमिन भाई आता है और फिर ना जिमिन को ना तेंग से लेता है और फिर उसको जाके रूम में लिटा देता है और फिर डॉक्टर को कॉल करता है जंगू को और कुछ टाइम बाद डॉक्टर आ जाता है और उसको चेक करता है कहते हैं ये उसको ड्रग्स दिए गए हैं, मतलब ये दूसरे ड्रग्स हैं जो उसको ना स्मेल कराए गए हैं, तो ये जब वो आ जाए तो ये हैंगओवर के मेडिसिन से ये दे दीजिएगा और कुछ और मेडिसिन है ये थोड़े शायद वीक भी हैं तो इस वजह से आपको ये देनी होगी मेडिसिन वेल और इनका प्रॉपर ख्याल रखें 2-3 दिन तक, तो फिर भी जब बोलते अपने वहाँ से चले जाते तो फिर ना सारे जिमिन की तरफ देखते और जिमिन सोया हुआ होता, तो फिर जब वो सेना तेंग पूता कहते हैं जब तुम्हें पता था कि वो इस तरह करता है तो उसको हरास करता है जंगूक, जंगूक तुम्हें जब पता था तेंग बोलता है कि जब तुम्हें पता था वो जिमिन को हरास करता है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया, तो फिर मैं वो कहता है ये ना मैं देखना चाहता था कि जिमिन क्या करता है लेकिन मुझे नहीं पता था जिमिन इतना वीक है, उस समय थोड़ा गुस्से वाले टोन में बोलते हैं, तो फिर मुंगी ना जिमिन के साथ बैठा हुआ होता है तो फिर वो कहता है जिमिन वीक नहीं है, वो पहले उसका मुकाबला कर रहा था उसके मतलब अपने लिए स्टैंड ले रहा था लेकिन आज उसने हद कर दिया, उसने ड्रग्स दिए तो इसमें जिमिन का कोई कसूर नहीं है, ये उसका ही कसूर था, तो फिर ना कहता है अब जो भी उसने किया उसकी सजा उसे मिल गई है, तो फिर ना वो एक्सपेक्ट करता तो फिर ना दोनों उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखते कहते क्या किया तुमने उसके साथ, कहते इस तरह बोलता है और फिर टाइम ना कॉल आ जाती है और फिर ना वो कॉल को अटेंड करता है और फिर ना उसको स्पीकर पे कर देते, कहते हैं बॉस आपका काम हो गया, वो पर्सन की डेड बॉडी भी हमने छुपा दिया, तो फिर कहते हैं वेरी गुड, ये कह के कॉल बंद कर देते और दोनों शॉक में नाते हैं की तरफ देखने लगते, कहते क्या हुआ, कहते ये सब क्या था, कहते कि ना वेल अब जैक्सन हेल में है, वो इस तरह बोलता है और कहते कि ना तुमने उसको मार दिया, वो कहते हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा करेगा तो फिर उसको तो मन नहीं होगा, तो फिर ना वो दोनों उसकी तरफ ना ऐसे देखने लगते हैं, तो फिर कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं ना ये सिर्फ जिमिन के लिए है या फिर मतलब जिमिन तुम्हारी तरह नहीं है इस वजह से मैं जिमिन की ज़्यादा केयर करता हूँ, तेंग बोलता है, तो फिर ना जब वो बोलता है व्हाटएवर, तो फिर ना जो शुगा होता है वो उसके तरफ ऐसे एक डिस्कस्ट फील
डिसअपॉइंटमेंट फेस से देखा होता तो फिर ना तेंग उसे दम देते कहते क्या हुआ किटन, कहते तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं तेंग अगर तुमने एक दफा और मुझे किटन बोला। तो फिर ना वो कहता है किटन 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 मीन किटन, वो इस टाइम बोलता है। तो फिर ना कहता है जो किम तेंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्या उसके पीछे भागने लगता है। तो फिर ना ये दोनों ना भागने लगते हैं एक दूसरे के पीछे, और फिर ना जिनको कहते हैं इन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। और फिर जिमिन की तरफ दिखता है तो फिर ना उसको थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तो फिर उन दोनों का रोकने के लिए जाते हैं क्योंकि रूम में राउंड राउंड घूम भाग रहे होते हैं एक दूसरे के पीछे। तो फिर कहते हैं ना चुप रहो, जिमिन को होश आ रहा है। तो फिर दोनों फोन रुक जाते हैं, जिमिन के पास आ जाते हैं। तो जिमिन की आईज ओपन होती है, फिर कहते मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर उसको ना फ्लैश बैक से याद आने लगते, तो उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। तो फिर ना जो जिनको होता है वो फ़ौरन उसके पास बैठते और कहते हैं ना जिमिन क्या हुआ। तो फिर ना कहते मैं मुझसे दूर हो जाओ, मैं इंटरटेन इंसान हूँ। तो फिर ना वो कहते नहीं तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ, हम सही टाइम पे आ गए थे तो मैं बचा ली। तो फिर ना जिमिन ने अपनी वो ऐसे इनोसेंट आई से ऐसे देखे था पपी आई से उन तीनों की तरफ। तो फिर ना वो तीनों स्माइल करते हैं, कहते कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो बिल्कुल प्योर अभी भी। तो फिर कहते बट ये वाइट मार्क। तो फिर वो इस तरह देखते हैं और उसकी नेक पे ना बहुत ऐसे बना होता है एक डार्क पर्पल टाइप का है ये। तो फिर वो बना होता है। तो फिर ना जो जंक होता है वो उस पर किस कर लेते हैं, जिससे देखे ना जो जिमिन शोक हो जाता है। उसके बाद तेंग भी सेम यही करता है, और जो यूंगी होता है वो उसकी नेक पे उस साइड पे लिख कर लेता है, जिससे देखे ना वो फुल शोक होता है और तीनों के सेक्शन है। तो फिर ना वो तीनों स्माइल करते कहते हैं भूख लगी है तुम्हें, तेंग पूछते हैं। तो फिर ना अभी भी जंकुक जिमिन शो के होता है उन तीनों के एक्शन से। तो फिर ना जो जंकुक होता है वो चक्कर करता है, और फिर ना यूंगी ना वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना तीनों उसकी तरफ देखते हैं लेकिन जूंगी कुछ नहीं कहता। और फिर कुछ टाइम बाद आता है वहाँ हाफ आवर के बाद, और उसके हाथ में एक बाउल होता है जिसके अंदर सूप होता है। तो फिर ना कहते हैं ये पियो तुम्हें बेटर फील होगा, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। ये कहके ना एक छोटी सी स्माइल करते हैं, जिससे देखे ना जिमिन कहते थैंक यू, कहते हैं ना हम हस्बैंड से तो तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहते हैं कि ना तुम मुझे हस्बैंड एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट किया, कहते वेल हम मैंने तुम्हें तो किया बट इन दोनों डफरों को नहीं। जिस तरह बोलते रूम की तरफ एक अनोइड फेस से देखते कहते था हाँ तो हमने तुम्हें कौन सा किया, तुम एक डफर हो, तुम एक किटन हो, तो क्यों तो हम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर कहते हैं कि ना इस दफा किटन मैंने नहीं बोला, खाली सिर्फ जकोक ने भी बोला, हम दोनों ने तुम्हें इकट्ठे किटन बोले गए थे। जीवन जकोक क्यों तो मैं तुम दोनों के ना मैं तुम मैं ऐसा बोल रहा था। फिर ना जिम कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है बस 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 लड़ो नहीं, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर कहते हैं बट कहते हैं इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने मुझे किटन बोला, कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, ये इतना प्यारा निकनेम है, मैं भी तुम्हें मिलाऊंगा किटन आपसे। कहते बट मुझे किटन नहीं पसंद, मेरा मजाक उड़ता है। कह रहे हैं ना मजाक उड़ता अगर कोई तुम्हें कैट बुलाता, बट तुम किटन हो, किटन है एक बहुत ही क्यूट निकनेम है। तो फिर वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है वियर्ड फेस से। तो फिर कहता है ओके फाइन, तुम्हें मैं यूंगी बुलाऊंगा बस ठीक है फाइन। तो फिर कहते हैं तो फिर ना कहते और उसके बाद फिर कहते हैं ये सूप पियो। फिर ना जिमिन सूप पीने लगता है, और फिर ना यूंगी उसको मेडिसिन भी देते हैं, और वो दोनों उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तो फिर ना जिमिन कहते हैं कि ना मुझे नींद आ रही है। तो फिर ना तेंग कहते हैं हाँ ठीक है तुम हम सोते हैं। लेकिन कहते हैं हम क्या मतलब, कहते हैं ना हम सारे आज यहीं सोएंगे, तेंग बोलता है। तो फिर बट तुम लोग अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, कहते हैं नहीं तुम्हारे साथ ही होंगे, इन दोनों का पता नहीं यूंगी बोलता है। तो फिर ना जेकी कहते हैं तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं भी नहीं होंगी, कहते शट अप इसमें बोलता है, कहते हैं व्हाटएवर जे पे बोलता है। फिर वो वहीं सो जाते हैं जीवन के साथ, और जीवन को अच्छा लग रहा होता है।